मैं संकीर्ण विचारधारा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों की मर्दानगी उस समय कहां जाती है? आपका हिंदुत्व तब क्यों नहीं जागता जब सिद्धू मूसेवाला जैसे सिंगर की सरेआम हत्या कर दी जाती है, कैलाश पर्वत पर चीन कब्जा कर लेता है, पुलवामा जैसी घटनाओं में 500 जवान शहीद हो जाते हैं। देश में जब ऐसी विपत्ति आती है तब ये संगी गुंडे चूजे बनकर बिल में क्यों घुस जाते हैं? अभी हाल ही में हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल की विवादित पोस्ट का मामला ठीक से शांत भी नहीं हुआ कि उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोगों का एक नया शर्मनाक मामला सामने आया। जी हां साथियों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ये नया मामला क्या है और इस तरह के मामले आखिर होते क्यों हैं। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। दिल्ली विश्वविद्यालय में दो दलित छात्रों पर हमला होने की खबर सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एबीवीपी के संरचित गुंडों ने दलित छात्रों पर हमला किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। घायल छात्रों ने बताया कि हमें दलित होने के नाते टारगेट किया गया, हमको जातसूचक गालियां दी गई। साथियों, आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों ही प्रोफेसर रतनलाल की जमानत होने के बाद भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर एबीवीपी के सरचित गुंडों ने प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की। देश में मौलिक अधिकारों का सरेआम हनन हो रहा है। यह देश के नागरिकों का अधिकार है कि वह किसी भी धर्म और संप्रदाय का अनुसरण कर सकता है, अनुयायी बन सकता है और उस धर्म संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो फिर क्यों इस लोकतांत्रिक देश में किसी को जय भीम लिखने पर पीटा जाता है? इस सवाल का जवाब देश की मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जरूर देना चाहिए। एक तरफ जहां अपराधी खुले घूम रहे हैं और किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सरकार और प्रशासन मूक बनकर तमाशा देख रही है। वैसे तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन चलो इन संकीर्ण विचारधारा के गुंडों के इस तर्क को भी हम एक बार मान लेते हैं कि ये देश में जो नफरत फैला रहे हैं, दलित आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ जुर्म ज्यादाती कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संगीत गुंडे तर्क देते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, चाहे जो भी हो। हम हिंदू धर्म के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकते हैं, सहन कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जय भीम का नाम लेने से इसमें हिंदू धर्म का कहां विरोध हुआ? ये संकीर्ण विचारधारा के भगवा गुंडे जिस तरह से दलित आदिवासी व अल्पसंख्यकों के साथ जुर्म ज्यादाती करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, मैं इन संकीर्ण विचारधारा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों की मर्दानगी उस समय कहां जाती है? आपका हिंदुत्व तब क्यों नहीं जागता जब सिद्धू मूसेवाला जैसे सिंगर की सरेआम हत्या कर दी जाती है, कैलाश पर्वत पर चीन कब्जा कर लेता है, पुलवामा जैसी घटनाओं में 500 जवान शहीद हो जाते हैं? देश में जब ऐसी विपत्ति आती है तब ये संगी गुंडे चूजे बनकर बिल में क्यों घुस जाते हैं? अगर अपने आप को थोड़ा सा भी मर्द समझते हैं तो इस बात का जवाब जरूर दें। क्या तुम्हारा हिंदुत्व केवल गरीबों को सताने के लिए ही जागता है? जिस प्रकार से द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा कटवाया, आपके भगवान राम ने निर्दोष सम्मुख ऋषि की हत्या की, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शूद्र थे और शूद्रों को शिक्षा दे रहे थे। जो लोग देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि पहले अपने आका का वीडियो देखो जिसके इशारे पर आप ये तमाम देश में नफरत फैला रहे हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। देखा, ये वीडियो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। वो इस वीडियो में क्या कर रहे हैं आप ये भी भली भांति से समझ गए होंगे। ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल दौरे का है।
यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध बंते जी के साथ में, बुद्ध धम्मगुरु के साथ में बुद्ध वंदना कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, भारत की पहचान अगर विश्व पटल पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के कारण है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनमें से अधिकतर शिक्षाओं को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा है। तो अंत में सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जय भीम बोलने और लिखने पर देश के किसी भी नागरिक के साथ ज्यादाती करने का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दो। जिन्हें आप नीच समझते हो, छोटी जात का समझते हो, उन पर हमला करने का मौका सिर्फ इसलिए मिल जाता है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान पर चलने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास रखते हैं, वरना पीछे से और धोखे से तो कायर ही वार करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव हैं, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।